तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना पराया। जब कोई व्यक्ति हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो हम उसको पहचानने का प्रयास करते हैं। यदि हम उसे जानते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, यदि नहीं तो दरवाज़ा ही नहीं खोलते। वो पराया होता है इसीलिए उसे अंदर नहीं आने देते। इसी प्रकार बाज़ार से जब हम कोई चीज़ खरीद कर घर ले आते हैं तो वो हमारी हो जाती है, बाकी सब पराई। इसी प्रकार क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर तंत्र भी अपने पराये की पहचान करता है? हाँ, करता तो है, लेकिन कैसे? कुछ अलग ढंग से। आइए इस पाठ में हम इस पहचान करने के शरीर तंत्र की क्षमता और उसके व्यवहार को ढंग से जानने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे घर पे अगर कोई दरवाज़ा ठक 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 करके खटखटाता है तो हम सोचते हैं कि ये कौन हो सकता है, और फिर हम जब दरवाज़ा खोलते हैं तो हम उसके चेहरा पहचानने की, उसके नाक नक्श को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, और अगर हमको लगता है कि हम इससे परिचित हैं, हम इसको जानते हैं, तो हम उसे अंदर आने देते हैं। लेकिन अगर हम उसे नहीं जानते हैं तो अपने मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ जाते हैं, इसको हमसे क्या काम होगा। लेकिन हम नॉर्मली पूछते हैं कि क्या काम है आपको भाई, क्या चाहिए, और अगर कुछ काम नहीं होता या फिर जो भी काम होता है वो उतना निपटा के उसको रवाना कर देते हैं वहाँ से। तो अब हम देखते हैं कि उसी तरह से हम जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट में तो बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें होती है, अच्छी बुरी हर तरह की चीज़ें होती है, लेकिन जो चीज़ हम सोचते हैं कि हम इसको डिसाइड करके ख़रीदते हैं तो वो चीज़ हमारी हो जाती है। हम वो जब केवल डिसाइड करने से नहीं, उसको ख़रीद लेने से वो चीज़ हमारी हो जाती है, तो हम उसको घर तक ले आते हैं और घर पे लाके उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो चीज़ बाकी सारी जितनी भी मार्केट में चीज़ें हैं वो हम वहीं छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए पराई होती है। और इसी तरह से हमारी बॉडी भी देखता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए है और कौन सी चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, कौन सी चीज़ हम अपनी है और कौन सी चीज़ पराई, और इसी टाइप का डिफ्रेंशिएशन बॉडी करती है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप का क्या करता है? और उसके पास तो ना आँख है ना कुछ है, वो बस अपने अपने तरीक़ों से जानने की कोशिश करता है या फिर उनको अंदर लाने या भगाने का कोशिश करता है। तो थोड़ा अलग ढंग से होता है, दरवाज़ा तो होता नहीं है बॉडी में कहीं, तो वो कैसे काम करता है बॉडी के अंदर, हमें सुरक्षित रखने का काम हमारी बॉडी कैसे रखती है, इस सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वाले पार्ट में। तो उसके बाद आ जाते हैं अपना पराया। आपकी उंगली में कभी कोई कांटा अवश्य गड़ा होगा, उस कांटे को आप अपनी चुटकी, चिमटी अथवा सुई से निकाल देते हैं। यदि कांटे का कुछ अंश त्वचा में ही गड़ा रह जाए तो वहाँ गांठ सी बन जाती है। यह गांठ प्रायः सूख कर निकल जाया करती है और उसी के साथ कांटा भी निकल जाता है। कभी कभी त्वचा में रह गए कांटे के साथ स्थान पर फोड़ा बन जाता है, जिसके फूटने पर मवाद के साथ कांटे से छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसा हम देखते हैं कि हमारे उंगलियों में कभी, मेरे तो बचपन में बहुत बार लगी है, तो अगर आपके भी कभी कांटा घुसा होगा, वैसे मैंने तो एक बार फ्लावर तोड़ा था रोज़ का, तो उसके चक्कर में कांटा घुस गया था एंड निकलने में बहुत दर्द हुआ था। लेकिन आ जाते हैं पार्ट पे, और कांटे को जब हम निकालते हैं तो चूटी, चिमटी इस तरीके से या फिर किसी भी तरह के मेटल से निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर मेरा तो सेफ्टी पिन से नहीं निकालना चाहिए क्योंकि सेप्टिक हो जाता है, लेकिन मेरा निकालने की कोशिश की थी मैंने, बट व्हाटएवर। तो वो तरह से निकालने की कोशिश करते हैं, सुई से निकालने की कोशिश करते हैं, और वो अगर कुछ ज़्यादा ही अंदर घुस जाता है तो वहाँ पे एकदम सख्त सी हो जाती है वो त्वचा और गांठ पड़ जाती है, और फिर वो बहुत ज़्यादा सख्त हो के सूख के वो वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा गैप, जैसे स्किन ड्राई होती है ना, वहाँ पे गैप बन जाता है, और गैप बन जाता है तो वहाँ से निकल जाता है। अगर स्टिल नहीं निकला तो क्या होता है, वहाँ पे एक फोड़ा जैसा आ जाता है, वहाँ पे पानी जम जाता है और उसकी वजह से फोड़ा बन जाता है, और जब वो फोड़ा फूटता है तो उसके अंदर से जो वो जो पानी निकलता है, बॉडी का पानी जिसको मवाद कहा जाता है, वो उसके साथ निकल के कांटा बाहर आ जाता है। अब देखते हैं कि आपकी आँख में कभी धूल अथवा कोयले का कण चला गया होगा, ऐसी स्थिति में आपके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं जो उस कण को बहाकर बाहर निकाल देने का प्रयास करते हैं। यदि इस प्रकार भी कण आंख से नहीं निकलता तो चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि कण की चुभन चैन से नहीं बैठने देती। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई धूल का कण हो गया या कुछ भी हो गया जो हमारे आँख में घुस जाता है, कई बार तो हमारे आईब्रोज के बाल ही घुस जाते हैं, तो जो भी अगर वो हमारे आँखों के अंदर घुस जाते हैं तो बहुत चुभने लगते हैं, और कई बार क्या होता है हमारे आँख से बहुत पानी बहने लगता है, हमारे आँख से जो आंसू निकलने लगता है वो
इसको पानी के साथ बहा कर उसको निकालने की कोशिश करता है जो भी हमारे आँख के अंदर घुस गया है। और अगर इस तरह से भी कांटा या जो भी कांटा तो नहीं, मतलब वो जो कण या फिर कुछ भी जो घुसा है आँख में वो नहीं निकलता है, तो हमको फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी तेज़ दर्द करने लगता है कि हमको एक जगह चैन से बैठा ही नहीं जाता और हमको इवेंचुअली डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। छींक सभी को आती है, स्वास्थ्य अवस्था में भी दिन में एक दो छींक आ जाना कोई विचित्र बात नहीं है। नाक के भीतर ज़रा उत्तेजना हुई नहीं कि छींक आई, रसोई में मसालों के भुनने से छींक आ जाती है। कुछ व्यक्तियों को इत्र अथवा खुशबूदार तेलों से भी छींक आ जाती है। ये यही नहीं, छींकों के साथ साथ कभी कभी आँख और नाक से पानी भी बहने लगता है, तो जब छू करके जो छींक आती है उसको क्या होता है, वो क्यों होता है कि हम अगर एकदम नॉर्मली ठीक भी होते हैं तो भी एक दो बार छींक आ जाती है। कुछ उत्तेजना होती है, कुछ एकदम खुजली जैसे होती है नाक के अंदर और हमको छींक आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वो कोई भी चीज़ हो जो हमें सूट नहीं करती, वो हमारे नाक के अंदर जाती है तो हमारे नाक उसको निकाल फेंकने की कोशिश करता है, इसलिए छींक आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है जैसे मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा तड़का लग रहा हो और ये सब हो रहा हो, तो उसके भुनते वक्त हमारे नाक में वो स्मेल चली जाए तो उससे छींक आने लगती है। मिर्ची से तो मुझे बहुत छींकें आई है। और इसी की तरह अगर कोई अच्छा खुशबूदार तेल भी हो, जो कि इत्र तेल ये सब चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली में तो ये परफ्यूम स्मेल अच्छी स्मेल करने के लिए होती है, लेकिन कोई लोग एलर्जिक होते हैं उस चीज़ से या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है वो परफ्यूम, तो उसको भी उस चीज़ से छींक आना लाजमी है, वो भी हो सकता है। तो इसी तरह से केवल छींक ही नहीं आती, कभी कभी तो आँख से पानी भी बहने लगता है उसकी वजह से। छींक आना और नाक से आँख और नाक से पानी दोनों से बहने लगता है, तो फिर छींक आना और नाक से पानी का बहना शरीर की स्वाभाविक रक्षात्मक प्रक्रियाओं। छींक आना और नाक से पानी बहने के तो हार्ड वर्ड है ना, शरीर की स्वाभाविक प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाएं हैं। इनके द्वारा शरीर उन तमाम बेमेल और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल फेंकने की चेष्टा करता है जो वायु द्वारा नाक के भीतर चले जाते हैं। हमारे शरीर की यह सुरक्षा व्यवस्था हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों और कष्टों से बचाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिक्योरिटी सिस्टम है, सुरक्षा व्यवस्था, जिसके वजह से ये जो रक्षात्मक प्रक्रियाएं, मतलब जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है, ये क्या करता है, ये छींक का आना या आँखों से पानी का बहना ये एक बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफॉल्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। और इससे क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, जो हमारे बॉडी से मेल नहीं खाती, जो बेमेल और हार्मफुल है, वो सबको ये बॉडी की ये जो चीज़ें हैं वो निकालने के लिए ऐसी चीज़ें होने लगती है हमारे साथ। और फिर ये चाहे ये मतलब छींक के आने से, जैसे वो बहुत स्पीड में छींक आता है ना, तो अंदर से जो बहुत तेज से वायु निकलता है उसके साथ ही ये जो कण है या फिर वो जो स्मेल है वो भी बॉडी से निकलने का प्रयास करती है। और इसी तरह से हमारे बॉडी हम अपने आप को सिक्योर रखता है और बाकी सारी जो बेमेल पदार्थ हैं उनसे हमको बचाता है। मुख के भीतर जीभ एक द्वारपाल जैसा कार्य करती है, खाने पीने के प्रत्येक पदार्थ का स्वाद लेकर वह ये उसे परख लेती है। कड़वे और दुस्वाद पदार्थ को हमारा जीव प्रायः भीतर ले जाने से इनकार कर देती है। भोजन के ग्रास में भूल से आया हुआ कोई बाल अथवा कंकड़ पत्थर प्रायः जीव के पहुंच से बच नहीं पाता। खाई हुई प्रत्येक वस्तु तब तक शरीर का अंश नहीं बनती जब तक अमाशय और अंतड़ी उसे पचाकर रक्त में नहीं पहुंचा देते। कभी कभी खाई हुई वस्तु को अमाशय स्वीकार नहीं करता और उसे उल्टी के रूप में शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। इसी तरह पेट अथवा अमाशय भी एक प्रकार का द्वारपाल है, जो हमारा पेनक्रियाज, लिवर और ये सब चीज़ें हैं स्टमक के साथ, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती है। तो जो चीज़ें हमारे शरीर के खाने लायक नहीं है वो हमारे ये पेनक्रियाज और लिवर में से निकलने की कोशिश करती है और वो
नॉर्मली जो अच्छा खाना है वो तो उनको पचाकर रक्त में उसकी एनर्जी पहुंचा देती है, लेकिन जो मेल नहीं खाते, जो विमल पदार्थ हैं, उनका वो स्वीकार नहीं करती है और उसको क्या बोलते हैं, उल्टी करके निकालने की कोशिश करती है। और इसी तरह से ये भी एक तरीके के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो हमें गलत चीज़ों को हमारे अंदर कंज्यूम होने से बचाती हैं, जिससे कि वो सब जाके हमारे ब्लड में ना मिले और पूरे ही ब्लड में मिल जाएगा, तो हर जगह एक बीमारी जैसा फैल जाएगा और हम लोग अस्वस्थ होके बहुत जल्दी हमारी बॉडी डिके करने लगेगी, जिसकी वजह से मर जाएंगे। तो इसी तरह से ये सब हो उससे पहले ही वो एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर देती है ताकि हम लोग एकदम बचे रहें। शरीर में होने वाले जिन प्रतिक्रियाओं का ऊपर उल्लेख हुआ है वे किसी न किसी रूप में शरीर की सुरक्षात्मक प्रक्रियाएं हैं। ये प्रतिक्रियाएं हैं। ये प्रतिक्रियाएं बाहरी बेमेल अथवा हानिकारक पदार्थों को शरीर में अवशोषित होने से रोकती हैं, और शरीर का प्रयास होता है कि अवांछित वस्तु को भीतर प्रविष्ट ना होने दे, और यदि इस किसी प्रकार भीतर चली भी जाए तो उसे शरीर से बाहर निकाल फेंके। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी चीज़ें बताया गया है, जो भी चीज़ें करती है हमारी बॉडी, जो इस तरह का एक मैकेनिज्म करती हैं, वो किसी ना किसी तरह से हमारी बॉडी को सिक्योर करने की ही कोशिश करता है। और इसी तरह से वो बाहर की जितने भी चीज़ें हैं जो कि हमारे साथ यूज्ड टू नहीं है और जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, उन सबको एब्जॉर्ब होने में बॉडी में एब्जॉर्ब होने से बचाती है। और इसी तरह से हमारी बॉडी यही सोचती है हमेशा कि हम कैसे ये जो चीज़ें जो हमारे लिए सही नहीं है उसको हम अपनी मतलब अंदर सिस्टम में घुसने से पहले ही उसको नष्ट कर दे या निकाल फेंके। तो इसी तरह से वो निकालने की कोशिश करती है अलग अलग तरीकों से। वातावरण में असंख्य रोगाणु होते हैं। ये हमारे शरीर में प्रवेश पाने का प्रयत्न करते हैं ताकि इन्हें आश्रय के साथ साथ भोजन भी मिल सके। शरीर के ऊतकों को खा खा कर ये पनपते और प्रजनन करते हैं। इनके प्रभाव से भांति भांति के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर इन रोगाणुओं को भीतर प्रविष्ट होने से रोकने का प्रयत्न करता है और उनसे अनेक रूप से लड़ता भिड़ता भी है। तो हमारे जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे बहुत सारे जर्म्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में एज पैरासाइट काम करते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरों पे पनपते हैं, जो दूसरों की वजह से ज़िंदा रहते हैं। तो ये सब भी हमारी बॉडी पे एज पैरासाइट काम करते हैं कि हमारे बॉडी के सेल्स को खा खा कर ये मतलब बड़े होते हैं। सेल्स यानी कि बॉडी का जो सबसे छोटा हिस्सा है, जैसे कि सबसे पहले तो स्किन है, स्किन को और ज़्यादा जूम करेंगे तो फिर वो टिश्यूज़ दिखेंगे, टिश्यूज़ को और ज़्यादा जूम करेंगे तो एक सेल्स से जुड़े हैं वो टिश्यूज़। तो इसीलिए वो जो सेल्स हैं उनको खा खा के ये बॉडी में वो अपना गुजारा करती हैं, लेकिन अगर वो गुजारा करेंगे तो हम गुजारा नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए क्या होता है कि ये हमारी बॉडी उन सबको निकालने का बहुत प्रयास करती है और वो ट्राई करती है कि कैसे भी इस जंग में जो कि हमारे सेल्स के बीच, हमारी बॉडी के बीच और उसके सामने की तरफ होते हैं ये रोगाणु जीवाणु जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं, तो उनके साथ लड़ती भिड़ती रहती है और हमें बचाने की पूरी कोशिश करती है। त्वचा देह रूपी दुर्ग का बाहरी दीवार है। यह दीवार शरीर की मुख्यतः दो प्रकार से रक्षा करती है। प्रथम, ये शरीर की नमी को भाप बनकर उड़ जाने से रोकती है। दूसरे, वायु को और वस्त्र आदि के स्पर्श से अपने ऊपर आकर जमने वाले असंख्य रोगाणु को ये बाहर ही रोके रहती है। परंतु ये रोगाणु भी घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब कहीं त्वचा कटे या फटे और ये भीतर घुसे। मल मल कर नहाते समय हम अनजान ही इन सूक्ष्म रोगाणुओं को धो धोकर त्वचा से हटाते रहते हैं। तो हमारी जो स्किन है वो हमारे जो बॉडी के रूप का अगर पैलेस माना जाए या फिर एक तरीके का जो कि हमें ज़िंदा रखता है, तो उसको पैलेस के साथ उसकी तुलना की एक महल के साथ, दुर्ग के साथ, तो उसका जो बाहरी दीवार है, जो बाहर आउटसाइड वॉल है जो कि बचाता है, फेंस जो है उसका, वो उसी तरीके का काम करता है हमारी स्किन। तो वो क्या करता है कि दो चीज़ें करता है। पहले तो वो हमारी बॉडी में एक मॉइस्चर बनाए रखता है। अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा साइंस में अंडा से, तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में ह्यूमिडिटी तो नहीं कह सकते, मॉइस्चर होता है। ह्यूमिडिटी जो एयर में होती है वो ह्यूमिडिटी होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है वो मॉइस्चर होता है, ठीक है।
के पानी का अंश जो हवा में होता है तो वो उसको ह्यूमिडिटी कहेंगे, और अगर इंसानों में होगा तो उसको मॉइस्चर कहेंगे। तो हमारी बॉडी में जो मॉइस्चर होता है उसको बरकरार रखता है, उसको अपनी बॉडी से फटाफट सूख जाने नहीं देता। हम धूप में भले ही कितना घूम लें लेकिन वो बहुत धीरे धीरे उस मॉइस्चर को निकलने देता है, बहुत तेज़ी से नहीं निकलने देता। तो इसलिए वो हमारे बॉडी में नमी बनाए रखता है। और उसी तरह से वो वायु और वस्त्र आदि से, मतलब हम जो कपड़े पहनते हैं, अगर गंदे कपड़े पहन लिए या हम नॉर्मली चल रहे तो हवा में भी बहुत पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हम मतलब हमारे बॉडी को दूषित करते हैं। तो उनमें भी जो कीटाणु रोगाणु है या डस्ट है उसको क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में स्किन में आके जब लगता है तो उसको सीधा ही हमारी बॉडी के अंदर घुसने से बच जाता है और वो एक बैरियर का काम करता है। लेकिन ये लोग भी बहुत चालाक होते हैं, ये जो रोगाणु होते हैं ये हमेशा सोचते हैं कि कैसे कहीं पे भी कुछ कट जाए इसके स्किन में और हम वहां से घुस जाएं, और हाँ वो पूरे खुफिया तरीके से कोशिश करते हैं कि हम इसके बॉडी में कैसे भी घुस के रहेंगे। लेकिन अगर हम हमेशा ही अच्छे से नहाएंगे, मल मल कर नहाते हैं, तो हम ऐसे असंख्य कीटाणु जो होते हैं हमारी बॉडी में ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको निकाल देते हैं, उनको धो डालते हैं, जिसके वजह से वो जस्ट स्किन के कटने या कुछ होने पे उसके आसपास नहीं रहते और जिसके वजह से वो अंदर जाके हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर पाते। सांस लेते समय वायु के साथ भांति भांति के रोगाणु हमारी नाक द्वारा भीतर जाते हैं। इनमें से कुछ तो को तो नाक के बाल ही भीतर जाने से रोक देते हैं। कुछ रोगाणु नाक के भीतर के संलेश्मा लसदार स्राव में चिपक कर फंस जाते हैं। ऐसा ही संलेश्मा फेफड़ों के भीतर भी की वायु नलियों में भी होता है, और वायु द्वारा आए हुए कुछ रोगाणु इसमें चिपक जाते हैं। बलगम के रूप में फेफड़ों से बाहर निकलने वाला यही संलेश्मा अपने साथ रोगाणुओं को भी बाहर निकाल फेंकता है। तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं हमारा रेस्पिरेशन चलता रहता है तो उसके साथ भी अब हवा में तो कीटाणु है, हवा तो पूरा पूरी ऑक्सीजन सिलेंडर से तो हम हवा ले ही नहीं रहे, तो हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर से ही हवा ले रहे हैं। तो वो हवा जब जाती है तो उसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग और इस सब की वजह से इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया है जिसकी वजह से और ज़्यादा गंदा हो गया है हवा जो हम अपने अंदर लेते हैं। तो ये सारी जो मिक्स्ड जो हवा है वो हमारे अंदर जाती है, अलग अलग गैसेस से बनी हुई, वो हमारे अंदर जाने के बाद नाक से जाती है। तो नाक में ना बाल होते हैं, जिसको क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं थोड़े, मतलब अगर यहाँ पे जम जाए तो वो उसको पूरा सीधा नहीं जा पाते, मतलब एग्जैक्टली टनल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वो उसके होते हुए, उन बालों के होते हुए थोड़ा सा बुशी हो जाते हैं जिसके वजह से वो घुस नहीं पाते। उसके अलावा एक लसदार द्रव स्राव जो है उसको संलेश्मा बोलते हैं। संलेश्मा वो नाक के अंदर जब होता है जो चिपचिपा जैसा होता है, ग्लू जैसा होता है, और वो क्या होता है करता है, बीज जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको चिपकाने का काम करता है, वो वहीं पे चिपक के रह जाते हैं और वो अंदर नहीं जा पाते हैं। इसके बाद जो हमारे गले में भी क्या बोलते हैं संलेश्मा है, जिसकी वजह से कि वो बलगम यानी कि कफ बन के वहीं रह जाता है, या फिर अगर लंग्स में चला भी जाए तो वो मतलब वहाँ पे वापस से निकल के आने की कोशिश करता है और वो कफ बन के हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि हम वो जो गंदगी जो हमारे बॉडी के अंदर चली गई है या फिर हमारी बॉडी के अंदर पनप रही है वो उस बलगम के साथ निकल जाए, उस बलगम में चिपक के, उस कफ में चिपक के निकल जाए। और सर्दी होती है तो यही होता है कि वो जो जर्म्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके अपने ही कीटाणु रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये क्या करता है बॉडी हमारी, वो जो बलगम के सहारे उन कीटाणुओं को निकाल निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश करता है, ताकि हम उसके वजह से और ज़्यादा हमारी तबीयत खराब ना हो। हमारे भोजन, दूध, पानी आदि में लुक छिप कर अनेक प्रकार के रोगाणु पहले मुंह में और फिर मुंह से आगे आहार नली में पहुंच जाते हैं। मुंह में बनने वाली लार्क अन्य कई कार्य करने के साथ साथ कुछ हद तक रोगाणुओं को भी नष्ट करती है। जो रोगाणु आगे पहुंच जाते हैं उन्हें आमाशय अपने अमल में नष्ट कर देता है। इस अमल का अनुभव कदाचित आपको तब हुआ होगा जब भरा पेट दब जाने के बाद भोजन का कुछ अंश उल्टा चलकर मुंह में आ जाता है और उल्टी हो जाती है। तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं और या फिर दूध पानी ये सब पीते हैं तो वो भी कितना ही प्योर हो सकता है, मतलब उसको कोई साइंटिफिक तरीके से तो प्योर किया नहीं जाता है, डायरेक्ट डेयरी से आता है या कहीं से भी आता है, वो पैकिंग भी होता है तो उस बीच भी उसके अंदर एटमोसफियर और बाकी सारी चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं से गंदगी और कीटाणु घुस ही जाता है।
तो वो कीटाणु फिर क्या होते हैं, पहले हमारे मुंह के अंदर जाते हैं और उससे होते हुए हमारे जो फूड पाइप है उसके अंदर घुसते हैं। तो अब हमारी बॉडी क्या करती है कि वो जो गंदगी है उसको एक्चुअली हम जब चबा चबा के खाना खा रहे होते हैं ना, उसी बीच उसको नष्ट कर देती है। जब हम चबा रहे होते हैं और उसी तरह उसी एक प्रोसेस में जब खाना एकदम घूम रहा होता है हमारे मुंह में, उसके बाद जब वो अंदर भी घुसता है तो हमारे जो लिवर में जाता है, और लिवर में जाने के बाद भी हमारी बॉडी उसमें जब अगर कुछ रोगाणु और इस टाइप के ऐसी चीज़ें देखती है जो हमारी बॉडी से मेल नहीं खाते, तो वो उसको भी निकाल लेने की कोशिश करती है। और इसका एग्जाम्पल ये दिया गया है कि कभी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारा पेट भर जाने के बाद भी थोड़ा सा खाना जब बाहर निकल आता है या फिर उल्टी हो जाती है, तो ये क्यों होता है? ये इसी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ मिली जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, या हमारी बॉडी को लगा कि ये चीज़ सही नहीं है। तो हमने देखा कि शरीर का सुरक्षा में पहले योगदान त्वचा द्वारा और नाक, फेफड़े, मुंह और आहार नली की भीतरी परतों द्वारा होता है, जो रोगाणुओं के ऊतकों में प्रवेश करने से रोकती है। तो हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ये सारी चीज़ें, नाक, मुंह, फेफड़े और आहार नली और ये सारी चीज़ें के भीतरी परत, और ये सारी चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर सब उल्टे सीधे जीवाणु, कीटाणु और रोगाणुओं को घुसने से मतलब से हमको बचाती है। उसके बाद आता है इन परतों के कटने फटने पर अथवा इनके कमज़ोर हो जाने पर रोगाणु शरीर के ऊतकों में पहुंच जाते हैं। अति सूक्ष्म विषाणु यानी कि वायरस तो पतली त्वचा तथा भीतरी समूची परतों को भी भेद कर घुस जाते हैं, पर जो भी हो इनका मुकाबला करने के लिए शरीर की सुरक्षा व्यवस्था भी सक्रिय हो जाती है। तो हमारे क्या होता है कि हमारी बॉडी कहीं से कट फट जाए या फिर हमारे ये जो सिस्टम से सिक्योरिटी गार्ड से ये कभी कमज़ोर पड़ जाए और ये इन पे ये रोगाणुओं जैसे डाकुओं या फिर अति सूक्ष्म विषाणु जैसे डाकुओं, चोरों, उचक्कों का अगर बोलबाला हो जाए, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि हमको उसका उससे झगड़ा करना पड़ेगा, उससे मुकाबला करना पड़ेगा, उससे युद्ध करके अपने आप को बचाना होगा, इस मिशन पे लग जाती है।